हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया पद्मश्री अवार्डेड मोहतरमा आसिफा जमानी मैम। आइए मैं एक मुख्तसर बात आप सबसे अर्ज करना चाहता हूँ, उसके बाद ये मुशायरा जो है। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज का ये मुशायरा एक शाम लखनऊ के नाम पैगाम मोहब्बत। थोड़ी सी मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इतनी शख्सियतें यहाँ पर कहकशा की शक्ल में मौजूद हैं। अगर मैं इधर से इधर तक एक एक तरफ का नाम लूं तो बड़ा वक्त चला जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में मैं सबका नाम लेता चलूंगा। हमारे दोस्त जनाब गयूर खान साहब, अम्मा नदवी साहब, नदवे के तमाम तलबा तशरीफ रखते हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। वो तमाम लोग जो तहजीब के मुहाफिज हैं, इंसानियत के परस्तार हैं, इंसानियत के परस्तार हैं, यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। ऐसी ऐसे ऐसी शख्सियतें, ऐसी ऐसे चेहरे बहुत कम देखने को मयसर होते हैं। आज इस महफिल में आकर मुझे बड़े यकीन के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि वो चेहरे यही हैं, वो पेशानियां यही हैं जिसको उर्दू अदब की तलाश रहती है। हमारे दरमियान तनवीर अख्तर एक शायर मौजूद है जो मौलाना भंजन की सरजमी से तशरीफ लाए हैं। उनसे मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सबको नवाजे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब तनवीर अख्तर साहब का। कब लोग पढ़ता हूँ और एक बात बताना चाहता हूँ कि अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए, शायद कि मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए। और दिलसाज जख्मी साहब या तशरीफ करके उनकी दुआएं लेते चार चार में पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पढ़ता हूं बतौर खास मुलाजा करें कि तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करें। पढ़ता हूँ और आपको शरीक करें, तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, ज़मीर बेच के दुनिया में नाम मत करना। शुक्रिया, यही मोहब्बत मिलनी चाहिए। अगले चौथे मिसरे को आपको शरीक करता हूँ, देखता हूँ वाकई अगर मेरी शायरी में सच्चाई है तो आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ। पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, ज़मीर बेच के दुनिया में नाम मत करना, किसी मकान की छत से गिरो तो फिक्र नहीं, किसी मकान की छत से गिरो तो फिक्र नहीं, किसी निगाह से गिरने का काम है। जिंदाबाद, ये साक्षी शायरी हो रही भाई। वाह, तनवीर अख्तर मौवी साहब दोबारा इरशाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद जख्मी साहब इस मुशायरे को कामयाब और रौनक बख्श रहे हैं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया साहब भाई। वाह, मेरी खुश नसीबी है कि जिनको लोग सुनने के लिए और देखने के लिए तरसते हैं और उनसे मेरी दुआएं मिलाई हैं, मैं अपने को बहुत खुश नसीब समझता हूं। अली भाई भी तशरीफ रखते हैं, फिर मैं पढ़ता हूं। एक बार तालियां बजा के इस्तकबाल करें कि तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, ज़मीर बेच के दुनिया में नाम मत करना, किसी मकान की छत से गिरो तो फिक्र नहीं, किसी मकान की छत से गिरो तो फिक्र नहीं, किसी निगाह से गिरने का काम मत करना, किसी निगाह से गिरने का काम मत करे ना। एक बहुत ही खूबसूरत गजल आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, अदा पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा करें कि सुना है बहुत मुख्तसर बोलते हैं,
जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, सुना है सुना है बहुत मुख्तसरे बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, सुना है बहुत मुख्तसरे बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, विरासत में पाई है जैसे ज़बां को, विरासत में पाई है जैसे ज़बां को, विरासत में पाई है जैसे ज़बां को, वो उर्दू बहुत बा असर बोलते हैं, असर बोलते हैं, वो उर्दू बहुत बा असर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, तमाम जितने भी मकाम मजमा बैठा हुआ उनके हवाले एक शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें कि मुनाफिके है शायद हमारी सफों में, 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 इधर सुनने के बातें उधर बोलते हैं, इधर सुनने के बातें उधर बोलते हैं, मुनाफिके हमारी सफों में, चांदनी शबनम साहिबा तशरीफ रखती हैं, हम जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें उनका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ मतलब खास मिलाजा करें कि वो उर्दू बहुत बा असर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, और एक शेर और हाजिर करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत, मुझे उम्मीद है कि कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा, खास मुलाजा करें कि करिश्मा है ये सब मशीनों का यारो, करिश्मा है ये सब मशीनों का यारो, करिश्मा सब मशीनों का यारो, करिश्मा गए सब मशीनों का यारो, जिसे भक्त सारे लहरे बोलते हैं, जिसे भक्त सारे लहरे बोलते हैं, सुना है बहुत मुख तसरे बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, कसम खुदा की जितना भी मैं शेर पढ़ूंगा इस गजल का पूरा शेर एक से एक लाजवाब है, एक शेर मैं अपने बड़े भाई नवाब अख्तर साहब की दुआएं लेते हुए और हाजी इम्तियाज साहब को शरीक करता हूं, पेश करता हूं बतौर खास मुनाजा करें, बहुत ही खूबसूरत शेर पढ़ता हूं नजमी साहब बतौर खास मुनाजा करें कि मोहब्बतें मिलेगी यहाँ पर सभी को, मोहब्बत मिलेगी यहाँ पर सभी को, मोहब्बतें 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 मिलेगी यहाँ पर सभी को,
ये गांव में मिट्टी के घर बोलते हैं, एक सर हुकूमत के हवाले पेश करता हूँ और स्टेज की दुआई देता हूँ। बता रहे खास मुलाजा करें, किसे आसती में कर तब दिखाए बतूने, सियासती में कर तब दिखाए वो तूने, सियासती में कर तब दिखाए वो तूने, सियासती में कर तब दिखाए वो तूने, तुझे सब यहाँ जादूगर बोलते हैं, कि वो उर्दू बहुत बा असर बोलते हैं। साहब आपकी जो गीत बड़ी मशहूर है, तो आप उसको जो है पब्लिक की फरमाइश भी है, ऐसा ना मैं सना जी, मैं अभी मैं पेश करूंगा, मैं मक्का पेश करता हूं और उसके बाद वो गजल मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। भाई मुलाजा करें, पढ़ता हूं कि जिन्हें हमने चलना सिखाया है अख्तर, सुनेंगे मुकरम, कि जिन्हें हमने चलना सिखाया है अख्तर, जिन्हें हमने चलना सिखाया है अख्तर, जिन्हें चलना सिखाया है अख्तर, मिलाकर वो हमसे नजर बोलते हैं, इस जमाने में जिनके घर बोलते हैं जी। मैं पेश करता हूँ, एक बार तालियां बजा के मुझे इजाजत है, मैं पढ़ता हूँ बतरे खास मिराजा करें, दुनिया चर्चा न करेंगे, मर जाएंगे लेकिन तुझे रुसवा न करेंगे, नौजवान भी बैठे हुए, कुछ बुजुर्ग हजरात भी बैठे हुए, और एक शेर में उनके हवाले भी पेश करता हूँ कि ये मत समझिए कि वो वक्त से पहले अगर बुड्ढे हो गए बुजुर्ग हो गए तो उनके सीने में दिल नहीं है, अभी उनका दिल प्यार मांग रहा है, और क्या मांग रहा है मैं पेश करता हूँ कुर्बान करेंगे कभी दिल जा कभी सदके, तुम अपना बना लोगे तो क्या क्या न करेंगे, ऐसा नमी। तो ये
शेख वली साहब यहाँ तशरीफ करते हैं, खिताब करते हैं, अजीज हैं, करम फरमा है, और नजमे सिंह साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी तौसीफ से मेरी हाजिरी हुई। शेर हाजिर करता हूँ, बता रहे खास मुलाजा करें कि मिल जाएंगे हम तुमसे अगर देखना यारो, 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 आशिक कभी माशूक से शिकवा न करेंगे, अली भाई को देखें और ये मेरा शेर पेश कर रहा हूं। कोई ने बोला कि जलवा लुटाने आई थी, कहा किसी ने कि बिजली गिराने आई थी, जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, वो अपने छत पे दुपट्टा सुबाने आई थी। वाह वाह, तो धन्यवाद। अब उस शेर का जवाब अली भाई को देखें और मेरा शेर सुने, बताओ रे खास अदा करें कि चाहत का तकाजा है जरा छत पे भी आओ, चाहत का तकाजा है जरा छत पे भी आओ, देखेंगे तुम्हें चांद को देखा न करेंगे, ऐसा न वे देखेंगे तुम्हें चांद को देखा न करे रे, ऐसा नमे। और एक शेर हाजिर करता हूँ, लक्ष्मी भाई बता रहे खास नाजा करें कि क्यों ढूंढते फिरते हो जरा मुझसे भी सुन लो, क्यों ढूंढते फिरते हो जरा मुझसे भी सुन लो, क्यों ढूंढते फिरते हो जरा मुझसे भी सुन लो, देखोगे अगर प्यार से सोचा न करेंगे, ऐसा नमे। इतनी खूबसूरत गजल मैं बता दूं किसने लिखी है, ये मेरे बड़े भाई नवाब अख्तर साहब यहाँ तशरीफ रखे हैं, माशाल्लाह। हां, ये सारी मेरे बड़े भाई हैं जो मेरे साथ हैं। तुम सोच में यादों में तुम ही तुम मेरे दिल में अब गैर का हम कोई भी चर्चा न करेंगे, ऐसा नमे। मक्ता भी पेश करता हूँ, मोहब्बत के साथ कबूल कर ले, पढ़ता हूँ बदर खास मुलाजा करें कि तन्वीर से कहते हो कि मैं संग हूँ तुम्हारे, तुम संग हो मेरे यार तो शिकवा न करेंगे, ऐसा न मैं। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें, लिम्रा एजेंसी अमीनाबाद लखनऊ, मोबाइल नंबर 9935055789, हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9305328319।